पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या को लेकर सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर ट्वीट कर सरकार को घेरा है। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा है कि विश्व के सबसे बड़े रक्षा सौदे की फाइल खो गई, खुफिया तंत्र की नाकामी के कारण 40 जवान शहीद हो गए, 1708 आतंकी वारदातें हो चुकी हैं। भारत के पास 48 सैटेलाइट्स हैं, फिर भी सरकार पेड़ और इमारतों का अंतर नहीं बता पाती। ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर खतरा है। एनसीपी नेता माजिद मेनन ने सिद्धू के बयान पर कहा कि एयर स्ट्राइक पर सरकार के झूठे दावे से सेना का मनोबल गिर सकता है। नवजोत सिद्धू का ये बयान लगातार आ रहा है कि उन्होंने आतंकवादियों को उखाड़ फेंका या पेड़ों को उखाड़ फेंका, ये वो शुरू से कहते आए हैं और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी उनका बयान हुआ है। अब ये कहना कि भाई वो पेड़ों पौधों और स्ट्रक्चर्स में कोई फ़र्क नहीं महसूस करती, इसलिए कि उन तंज के एक सरकास्टिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई स्ट्रक्चर को उन्होंने स्ट्राइक नहीं किया और झूठे क्लेम कर रहे हैं। बीजेपी ने सिद्धू के बयान को बेहद अजीब बताते हुए कहा कि सिद्धू हकीकत से दूर है। The oath of the constitution, Sidhu ji perhaps has lost sight of all these realities, and that's why he comes up with these strange comments. In any case, it seems that perhaps after hugging the Pakistani general and Pakistani prime minister, maybe he feels a greater affinity for those things that help Pakistan's cause rather than India. Sidhu ne isse pehle bhi Balakot air strike mein mare gaye aatankiyon ki sankhya par sawal uthaye the aur kaha tha ki jawanon ki shahadat par rajneeti karke sarkar chunav nahi jeet payegi. बता दें कि मारे गए आतंकियों की संख्या पर एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा था कि बालाकोट में सेना ने टारगेट हिट किए थे। कितने आतंकी मारे गए ये गिनना उनका काम नहीं है। सवाल उठता है कि जब आतंकियों के मारे जाने के आंकड़े सरकार के पास नहीं है तो फिर बीजेपी के नेता अलग अलग बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी एयर स्ट्राइक के जरिए सियासी रोटियां सेकना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।